पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने गुरुवार शहर के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों पेश केंद्रीय आम बजट बिहार के लिए ड्रीम बजट है। रोजगार से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, जल संवर्धन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। उनसे नई पार्टी बनाने के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सदे अंदाज में इसका जवाब दिया। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाने के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं इसका सदस्य हूँ। नई पार्टी बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जयंती पटेल, भाजपा नेता सुमन पटेल, भाजपा नेता सुनील कुमार मेहता, नीरज सिंह राजपूत, जिला प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, जिला महामंत्री डॉक्टर इंद्रभूषण कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आरसीपी सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं गार्जियन भी हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए कार्य करते आ रहे हैं। आप उनके बिहार के प्रति समर्पण को देखें। उन्होंने जिस प्रकार बिहार का विकास किया है वे अविस्मरणीय है। महिला सशक्तिकरण के लिए 2005 से अब तक नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार को करीब 70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है जो बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को भत्ता के साथ साथ 500 बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। मुद्रा योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बिहार के 22 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ की त्रासदी से बचने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति कुर्सी का ही संघर्ष है। अगर विपक्ष बोलता है तो कुर्सी बचाने वाली बजट है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ही बार बार यह कहा है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। अगर प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए बजट में देते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष की स्थिति खीसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर कहा कि यह चिंता का विषय है। बिहार में 2005 से 2010 तक अपराधियों की हिम्मत नहीं होती थी अपराध करने की। अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे। पुलिस वही है। उस समय मॉनिटरिंग सख्त थी। वर्तमान में भी अपराध नियंत्रण को लेकर सभी लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले के डीएम और एसपी से वर्चुअल बैठक की है। पुलिस को सक्रिय होने की जरूरत है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। नीतीश को पुराने फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा। अपराधी को पकड़कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलानी पड़ेगी। अपराध खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा।